मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसी जगह भी है जहां पर मात्र 22 रुपए में आप भरपेट खाना भी खा सकते हैं। यह दुकान एमपी नगर जोन 2 में स्थित है, जिसका नाम के फूड एंड कैटरिंग है। इस दुकान में आप अपने मनपसंद चीजें काफी कम रेट में खा सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर हर चीज 100 रुपए के अंदर में ही मौजूद है। यहाँ पर चाय 6 रुपए से शुरू होती है और अलग अलग चाइनीज और अलग अलग प्रकार के खाने आपको यहाँ पर खाने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप बल्क में ऑर्डर देते हैं तो आपको एक थाली की कॉस्ट 22 रुपए भी पड़ती है। लोगों को भी यहाँ का स्वाद काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए विस्तार में बातचीत करके जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। जी नमस्कार, आपका नाम? जी माधव जी। तो ये जो दुकान है के स्नैक्स एंड फूड, यहाँ पर सारी चीजें बहुत कम रेट में मिल रही हैं। कारण इसका यही है कि हम हर कैटेगरी में आपका फूड जो है वो पहुँचाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, लेबर सेक्टर हो, तो इसीलिए हमने ये अलग अलग कस्टमाइज कर रखा है कि 100 रुपये से कम में हमारे पास थाली स्टार्ट है, मैक्सिमम मोर देन 150 तक, और जो मिनिमम से मिनिमम हमारे पास जो रहता है जैसे ब्रेकफास्ट भी है वो 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक रहेगा। जी, तो आपके पास कितने रुपए से खाने की चीज़ों की शुरुआत होती है? 10 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, बाकी जो थाली रहेगी वो हमारी 70 रुपीज से थाली स्टार्ट हो जाती है, और मंडे से हम एक थाली पे एक थाली फ्री भी दे रहे हैं। चाय का हमारे पास कॉस्ट है वो 6 रुपए, उसमें हमारे पास नो लॉस नो प्रॉफिट है, लेकिन मैक्सिमम हम 20 रुपए तक की चाय भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है? ये आपका एमपी नगर जोन 2 पाटीदार स्टूडियो के जस्ट पीछे। आपके पास क्या क्या चीजें मिलती है? देखिए हमारे पास चाइनीज भी है, इंडियन भी है, और जो स्पेशलिस्ट है वो हम थाली के हैं। मैक्सिमम हमारा जो मेन फोकस है वो थाली पे है। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की थाली बहुत फेमस है, लोगों को कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट, कैसा रिव्यू है लोगों का? देखिए अभी तक तो जो रिव्यू है वो पूरा पॉजिटिव ही रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत पुराने हैं हम, अभी अभी स्टार्टिंग है, तो अभी तक का जो रिव्यू है पूरा पॉजिटिव रहा है, और फिर कस्टमर की डिमांड जैसे जैसे रहती है वो हम फुलफिल करते चले जाते हैं। तो जैसे आपने बताया आपने स्टूडेंट्स को और लेबर क्लास को भी टारगेट करके ये रेस्टोरेंट खोला है। बिल्कुल, जो कॉस्टिंग है हमने उसी लेवल पे रखी हुई है, क्योंकि अभी आप देखें तो 70 रुपीज में थाली आपको पूरे एमपी नगर या मैं बोलूँ तो भोपाल में भी नहीं मिल पाएगी, और वो भी कस्टमाइज थाली। तो आपकी थाली में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? देखिए बेसिक जो थाली है उसमें दाल चावल रोटी सब्जी एंड सैलेड, जो प्रॉपर एक नॉर्मल थाली जो रहती है वो, जिसका प्राइस भी 70 रुपीज है, और फिर उसके ऊपर थाली की कैटेगरी बढ़ती चली जाती है, उसमें एड ऑन होता जाता है, स्वीट एड ऑन हो जाते हैं, सैलेड की कैटेगरी से एड ऑन हो जाती है, पनीर एड ऑन हो जाता है, मतलब फिर जैसे जैसे चीजें एड ऑन करते चले जाओ वैसे वैसे प्राइस बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आपके मेन्यू में मैंने देखा अभी कि चाइनीज फूड भी इन्वॉल्व है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जी जी, तो क्या आपके पास चाइनीज में क्या क्या आइटम्स हैं और कितने रुपए से उनकी शुरुआत? देखिए चाइनीज हमने सिलेक्टेड मेनू रखा है, चाइनीज में हमारे पास नूडल्स है, मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, तो ये हमने 30 रुपीज मिनिमम है और 70 रुपीज मैक्सिमम है। और आपके पास और क्या क्या, ये सारी चीजें क्या वेज होती है या फिर नॉन वेज? नहीं, टोटल प्योर वेज का काम है, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा रिटेल है, और रिटेल के अलावा सप्लाई का ज़्यादा काम है, तो हम लोग पूरा वेज में ही काम करते हैं, नॉनवेज का कोई कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में यूज़ नहीं करते। नमस्कार, आपका नाम? नितेश। आपका? नीतू। और आप? समीक्षा। तो यहाँ पर आप मतलब कब से यहाँ पे आ रहे खाने के लिए? जब से ओपन हुआ है रेगुलर। तो यहाँ का सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगता है? सर्विस पार्ट, सर्विस पार्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है और रीजनेबल प्राइस है, क्वालिटी भी अच्छी है, फूड्स की बहुत अच्छी है, नो डाउट। और यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या पसंद है? छोले भटूरे, राजमा चावल, सैंडविच, मोस्टली चीजें, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, और नाश्ता भी काफी अच्छा है।